नमस्कार किसान भाइयों, ये पपीते का पौधा है देखिए, और इसी में मानदे में हमने केला लगवा दिया है। ये देखिए किसान भाइयों, ये देखिए, और इसका जड़ खोद के दिखाएं आपको हम लोग, तो ये देखिए वाइट फ्रूट आ गया इसमें। ये देखिए किसान भाइयों, काफ़ी अच्छा है, और इसमें मादा टू मादा 7-8 फीट की दूरी है, 8 फीट के आसपास। और ये देखिए किसान भाई, इसको साइड में करें, और ये देखिए इसका भी खोद के दिखाया हम आपको इसमें, बाकी ये लेबर ने ज़्यादा दबा दिया है। ये देखिए किसान भाइयों, ये G9 की वैरायटी है केले की। ये देखिए कहीं 3 पौधे लगाए हैं, कहीं 2 पौधे लगाए हैं, और ये केले के झाड़ है किसान भाइयों। देखिए कि ये पपीते के झाड़ हैं, और पपीते के झाड़ यहाँ से कट जाएंगे, यहाँ से काट दिए जाएंगे। और ये देखिए किसान भाइयों, काफ़ी बेहतर और शानदार तरीके से लगे हुए हैं झाड़, देखिए। और एक केला G9 का वैरायटी है, और अभी समथिंग 15-20 दिन के आसपास हुए हैं पौधे लगे हुए। ये देखिए किसान भाइयों, और ये पूरे पपीते में लगा है, पूरा उसी मानदे में लगा दिया हमने इसमें नर्सरी वगैरह। ये देखिए किसान भाइयों, ये देखिए काफ़ी बेहतर और काफ़ी दूर तक के हमने इसमें लगाए हुए हैं। और ये देखिए आपको एक 8 पौधा और खोद के दिखाता हूँ किसान भाइयों, इसमें मैं मिक्सिंग, ये देखिए मैं पपीते की जड़ है वाइट फ्रूट, इसमें दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वाइट फ्रूट आ गए इसमें, तो काफ़ी बेहतर तरीके से केला चल रहा है। और ये किसान भाई देखिए, आप काफ़ी बेहतर तरीके से लगा हुआ है ये केला, G9 का वैरायटी है, और ये अभी हमारे छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला में लगा हुआ है, और गांव का चिखली गांव है ये। और इसमें जैसे अपन समथिंग ये अपना मार्च में लगा है लास्ट में, और पहले शुरुआती में लगा किसान भाइयों। ये देखिए ये दिसंबर जनवरी से पहले निकल जाएगा, दिसंबर के आसपास जनवरी में निकल जाएगा ये। ये देखिए किसान भाइयों, ये देखिए किसान भाइयों, और ड्रिप को इस प्रकार बांधे, डबल ड्रिप करें। और ये बेल वगैरह इसको उखाड़ दें यहाँ से, देखो किसान भाइयों,